गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये रेमेडी का नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि रेमेडी कहना इतना आसान नहीं है कि हम जैसे कह देंगे कि नहीं, ये नंबर के लिए आप ये कलर यूज कीजिए, ये नंबर के लिए ये मेटल यूज कीजिए, ऐसा ये अगर हम कहेंगे तो। मैं पिछले वीडियो में भी बताई थी कि अगर आप एनी एलिमेंट के लिए कौन सा भी कलर या नंबर उसको ऐड करते हैं, वो नंबर का गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी दोनों आपके ऊपर आ जाएगा। यानी कि वो नंबर अगर ऐड करते हैं या ज़्यादा रिपीटेड से रिपीटेशन हो रहा है, तो उसका वो नंबर का गुड क्वालिटी एंड बैड क्वालिटी दोनों आपके अंदर आ जाएगा। तो इसीलिए रेमेडी आप देख के कीजिए। मैं आपको बेसिक रूल समझा दूंगी, उसी हिसाब से आपको जो चाहिए वही हिसाब से आप वो नंबर ऐड कीजिए थ्रू कलर्स, नहीं तो नंबर्स। तो मैं आज हर नंबर का गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी ये आपको बता दूंगी, तो आप उसी हिसाब से आपका कौन सा नंबर आप अपने लाइफ में एंटर करेंगे वही हिसाब से कीजिए, और कलर नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। तो उससे पहले ये रेमेडी याद रखिए, ये रेमेडी जिसका मैंने एक वीडियो में बताई थी कि जिसका डिले मैरिज, लेट मैरिज और डिवोर्स, ये जो मैं बताई थी उसी में मैंने क्या बताई थी कि आपका डेट में आइदर 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा या 8 होगा, इन्हीं चार नंबर में से एक होगा। 8 सबसे लिस्ट है, लेकिन 3, 6, 9 में मैं बहुत सारा एग्जाम्पल देख चुकी हूँ। 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा, इन नंबर में से एक होगा। इसी हिसाब से मंथ में भी आइदर 3 होगा, यानी कि मंथ का मीनिंग अगर मार्च में कोई जन्म होंगे या जून पे या सेप्टेम्बर पे या फिर दिसंबर पे भी, क्योंकि दिसंबर पे भी 12 होता है, 2+1 मिलके 3 हो रहा है, तो इसका मीनिंग, या अगस्त पे, अगस्त थोड़ा लिस्ट है कम है, तो यानी कि आपका मंथ पे भी अगर 3, 6, 9 और 8 आ रहा है, वैसा ही अगर आपका ईयर, कौन से ईयर पे आप जन्म हुए हैं उसी को अगर हम ऐड करेंगे, तो वो ऐड करने के बाद जो सिंगल नंबर आता है आइदर वो 3 होगा, 6 होगा या 8 होगा या 9 होगा। तो मैं बताई थी उसी केस में डिले मैरिज होता है, तो उसी का भी रेमेडी यही है। यानी कि आपके नंबर, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ में 3, 6, 9, 8 है, तो वो डिले मैरिज को दिखा रहा है, वो डिवोर्स को दिखा रहा है। अगर जल्दी मैरिज हो गया तो डिवोर्स होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, अगर डिले मैरिज हो रहा है तो चांसेस बहुत कम होता है। इसीलिए मुझे मालूम है कि एस्ट्रोलॉजी में बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि अगर कुंडली कुछ खराब है या डिले मैरिज या डिवोर्स को दिखा रहा है, तो उसको लेट मैरिज आफ्टर 32 या आफ्टर 34 मैरिज करने के लिए कहते थे, क्योंकि वो एक गुण उसका, एक दोष ना कट हो गया, तो इसीलिए कहते थे। तो वो बात छोड़ दीजिए, तो इसी का भी रेमेडी मैं आपको बताऊंगी, सबका रेमेडी। कोई अगर गुस्सा कर रहा है, कोई अगर डोमिनेट कर रहा है, यानी कि ये नंबर का खेल नहीं, आपको जो नंबर, जो कैरेक्टरिस्टिक कम करना है उसी नंबर को आप कम करेंगे, उसी कलर को आपको डिक्रीज करना है। अगर किसी का जॉब नहीं है, यानी कि उसका लाइफ में वो नंबर नहीं है, याद रखिए नंबर नहीं है तो गॉड ने कुछ सोच समझ के दिया होगा, फिर भी आप उसको एक ही बार अपने लाइफ में ऐड कीजिए। एक ही बार का मीनिंग है कि आप ऐसे करके, आजकल लोग मोबाइल नंबर कहते हैं, लेकिन मैं कलर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ, क्योंकि आपका कलर वो आपके बॉडी में टच होगा, तो उसी हिसाब से, या मेटल्स यानी कि उसी का धातु, तो उसी हिसाब से आपका बॉडी में वो रिएक्ट करेगा। तो इसी हिसाब से सर्विस के लिए, कौन सा प्लॉट खरीदने के लिए, या कौन सा भी आप चाहते हैं कि आप बहुत ग्रो करना चाहते हैं, तो ग्रो का 3-4 है, तो अगर आपका नहीं है डेट ऑफ बर्थ में, तो आप उसी हिसाब के उसी का नंबर आप ऐड करेंगे या उसी का कलर ऐड करेंगे। पहले से अगर है तो ज़्यादा मत कीजिए, नहीं तो क्या होगा ड्रॉबैक्स में बताऊंगी। तो अगर लेट मैरिज दिखा रहा है, मैरिज का कुछ या डिवोर्स का, तो वो नंबर आप अपने लाइफ से पूरा निकाल दीजिए, तो उसी का वैल्यू कम हो जाएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि कौन सा नंबर का क्या ड्रॉबैक है और गुड क्वालिटी है। तो नंबर 1 का गुड क्वालिटी क्या क्या है, ना वो साहसी होते हैं, उनके अंदर एस्पिरेशन होता है, वो अथॉरिटी होते हैं, बहुत कमांडिंग नेचर के होते हैं, लीडरशिप रहता है,
बहुत कॉन्फिडेंस रहते हैं, डिटर्मिनेशन भी रहते हैं और बहुत एनर्जी उनके पास है क्योंकि वो सूर्य का नंबर है। उसी हिसाब से ड्रॉबैक्स क्या है, यानी कि बैड क्वालिटी क्या है, अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर प्रेजेंट है, ये भी गुड क्वालिटी भी देता है, उसके साथ उसका बैड क्वालिटी भी देता है। अगर ऐसे एक है, अगर वन नंबर किसके डेट ऑफ बर्थ में है, तो वो क्या करेगा, वो अंदर से लोनलीनेस फील करेगा, किसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर नहीं कर सकता, यानी कि उसका कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं रहता है। अगर ओनली सिंगल वन रहेगा, डबल वन रहने से कम्युनिकेशन अच्छा रहता है। उसके बाद वो क्या करेगा, अगर वन ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, वन नंबर डोमिनेशन को भी दिखा रहा है, और ऐसा काम करेंगे कि जैसे गुस्ताख बोलते हैं ना, गुस्ताखी कर रहा है, वो ऐसे हो जाएंगे। इनफ्लेक्सिबिलिटी यानी कि वो किसके साथ इतना झुकेंगे नहीं, तो कौन से सिचुएशन पे उनको झुकना चाहिए लेकिन झुकेंगे नहीं, वो खराब क्वालिटी है। बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं और स्विंग नेचर पे, कुछ पैसा आएगा उसी में कुछ खरीद लेंगे और दिखाएंगे कि मेरे पास यह है, स्विंग नेचर है, और पैसे की फिजूल खर्ची करते हैं, ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं। तो ये सब उसका ड्रॉबैक्स था। टू नंबर है, मेरे स्क्रीन पे ही आ रहा है वो, उसका गुड क्वालिटी और बैड क्वालिटी। टू नंबर किसको दिखाता है ना, सिंपैथी होते हैं, बहुत अच्छा सिंपैथी देखते हैं, दिखाते हैं, और फेलोशिप होते हैं, दूसरों को मानने वाले होते हैं, उनको समझने के लिए ट्राई करते हैं, ऑनेस्टी होते हैं, बहुत इमेजिनेशन करते हैं, बहुत इमेजिन बैठ बैठ के सोचने लगेंगे, वो सिंप्लिसिटी पे रहते हैं, और आइडियलिटी भी होते हैं, उनसे कुछ सीखना भी अच्छी बात होती है। लेकिन उनका नेगेटिव पॉइंट क्या है, कोल्डनेस, इतना भी कोल्डनेस अच्छा नहीं है। अगर लड़की होगी, गर्ल है तो चलेगा, क्योंकि वो झुक के रहेगा, अच्छी बात है, फैमिली चलेगा। लेकिन बॉय हो गया तो अगर कुछ डेंजर आया फैमिली के लिए, तो वो आगे बोल्ड के साथ नहीं बढ़ पाएगा। तो ये एक बॉय के लिए मुझे नहीं लगता है कि टू नंबर अच्छा है। बैड क्वालिटी वही है, कोल्डनेस से, जहाँ पे भी कुछ बोलना चाहिए स्ट्रांगली नहीं बोलेंगे, तो ये बैड क्वालिटी है। और जिलस का मीनिंग, ये जिलस कहना ठीक बात नहीं है, फिर भी जिलस क्या होता है, अगर वो दूसरों का हर चीज़ देख के जिलस नहीं होंगे, लेकिन क्या है, उनके मन में एक ड्रीम होता है कि ये मेरे पास होना चाहिए। अगर नहीं होगा, अगर दूसरे के पास होगा वो देख के, तो तभी उनके मन में थोड़ा सा जिलसनेस आता है। बहुत जल्दी हरी मीनिंग चंचल चीत होते हैं, चंचल मन होता है उनका। और फिर हाँ, और एक बहुत ही हाँ साइनेस रहता है, और प्रैक्टिकल नहीं है, आगे क्या होगा सोच नहीं पाते, कौन सा काम करे तो कौन क्या परिणाम होगा, इसकी उनको चिंता नहीं रहती, तो ऐसा रहता है। लेकिन और एक खराब क्वालिटी है, जो क्या होता है कि वो कुछ अगर उन्होंने कुछ गलती कर दिया, उनको कोई बोल रहा है, तो वो मिडिल में, वही टाइम पे मिडिल में एंटर करके उन खुद वो कितने अच्छे हैं या सच्चे हैं वो दिखाएंगे, यानी कि मिडिल में बात करने का उनका बैड क्वालिटी रहता है। ये हो गया टू का। अभी थ्री के तरफ जाते हैं, एम्बिशन होते हैं, उनके डिग्निटी पे कोई आंच नहीं आना चाहिए, बहुत यानी कि रक्षणशील होते हैं, वो रिलीजियस का नंबर है, अब वो रिलीजन को पकड़ के चलते हैं, तो उनका डिग्निटी पे प्रेस्टीज को देखते हैं, तो और फिर ज़्यादा फिलोसफी, आप देखे होंगे ज़्यादा फिलोसोफर, और जो फिलोसफी ज़्यादा कहते हैं वो लोग थ्री के होंगे, या आप खुद सोचिए। थ्री वाले बहुत कम्युनिकेशन होते हैं, याद रखिए सभी नंबर से, जो भी जितना भी सभी नंबर में से थ्री नंबर वालों को जितना बात करने की कला जो होती है, वो थ्री नंबर वालों को होती है, बहुत अच्छे तरह से उसको घुमा फिरा के अच्छे से पेश करेंगे, कम्युनिकेशन अच्छा सा होता है। तो इसीलिए ज़्यादा आप देखेंगे फिलोसोफर थ्री नंबर पे रूल होते होंगे, और आजकल आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर ये थ्री के अंडर पे आते होंगे। सो ये सब इनका गुड क्वालिटी था थ्री नंबर का। अभी थ्री का बैड क्वालिटी हम देखेंगे, अगर वो अंदर उनका एक वो बहुत देखे, आप सोचिए एम्बिशन है, डिग्निटी है, फिलोसफी है, प्रेस्टीज को देख के, हमेशा प्रेस्टीज को देख के काम करेंगे,
तो इसीलिए वो क्रूएल्टी भी हो जाते हैं, यानी कि बहुत हिंसात्मक हो जाते हैं दूसरों के ऊपर हिंसा से, लेकिन वो हिंसा वो किसी को नहीं दिखाते हैं, छिपा के रखते हैं, तानाशाही अपने मनमानी करते हैं, तानाशाही करते हैं, और अगर बार बार रिपीट थ्री हुआ ढोंगी बनते हैं, यानी कि मन में एक बात होगा और उसको दूसरे टाइप का वो करके पेश करेंगे। ये खराब है, मुझे लगता है थ्री नंबर का ये बैड क्वालिटी है जो दूसरों को बकरा बनाने में ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही फिजूल खर्ची करते हैं। और वो वन नंबर थोड़ा घमंडी होते हैं, लेकिन थ्री नंबर बहुत ही घमंडी होते हैं। अगर थ्री नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है तो वो घमंड दे देगा। और ये थ्री एंड फोर ग्रो का नंबर है तो वो लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट करते हैं, इसीलिए भी घमंड बढ़ता जाता है। अभी नेक्स्ट हम फोर के तरफ चलते हैं। मुझे लगता है कि